बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश पाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हर एपिसोड का आगाज़ हमेशा अच्छी बात से होता है, और आज की अच्छी बात ये है कि हो सकता है आपके दोस्तों में, बहन भाइयों में, ताल्लुक वालों में किसी शख्स को, किसी बहन को, किसी भाई को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। और बहुत सारे खुददार लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ुबान से कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको उनकी आंखों को पढ़ना आना चाहिए। और ऐसे ही मेरी कोशिश होती है कि मैं भी इस तरह के काम करूं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, उन बहन भाइयों को तलाश करें, उन रिश्तों को तलाश करें, उन ज़रूरतमंदों को तलाश करें, उन वाइट कॉलर लोगों को तलाश करें जो किसी के आगे हाथ फैलाना जिन्होंने नहीं सीखा, ना उनकी तरबियत में शामिल है, ना उन्होंने कभी चाहा। वो मर तो जाएंगे लेकिन आपसे कभी भी जो है ना हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारी एक ऐसी खुददार बहन जो हमारे साथ आप इस वीडियो में मौजूद है, आप मेरे टिश्यू रखे हुए हैं मैंने अपने सामने, और बार बार मैं अपने चेहरे को साफ़ कर रहा हूँ। मेरी इन बहन से जो रिश्ता बना है 15 दिन पुराना बना है, और यकीन जाने कि मैं आज तक इनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। 15 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई किसी जगह पर, तो इन्होंने मुझे बताया कुछ अपनी चीज़ों के हवाले से, तो मैंने कहा बहन मैं हाज़िर हूँ, मेरा चैनल आप जैसे बहन भाइयों के लिए हाज़िर है। तो मैंने इनको एक ऑफ़र दी, लेकिन इन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दी, जिससे मेरी इज़्ज़त इनके दिल में और भी बढ़ गई कि इतनी खुददार बहन है। हैंडमेड जो है ना क्लॉथिंग में इनका कोई सानी नहीं है, इतना ज़बरदस्त किस्म के हैंडमेड प्रिंट करती हैं ये कपड़ों को। और मेरे ख्याल में काफ़ी सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। आज मैं अपने होश में भी नहीं हूँ, आज की इस वीडियो में आपके सामने है मेरी सिचुएशन, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ किस लिए, अपनी इस बहन के लिए बैठा हुआ हूँ कि हो सकता है आप जितने बहन भाई मुझे देखते हैं उनमें से कोई फ़ायदा तो अल्लाह पाक की ज़ात देती, लेकिन हम सब लोग सबब बनते हैं। हो सकता है इनकी ज़ात से आप बहन भाइयों को किसी 2, 4, 5, 10 लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए, और आपकी ज़ात से इस बहन को फ़ायदा पहुंच जाए। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, आप लोग जानते हैं मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता, मैं इस काम को जो है खिदमत समझ कर करता हूँ और नेकी समझ कर करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ हट के लेके आऊँ, कुछ अच्छा लेके आऊँ आप बहन भाइयों के लिए, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसका भी फ़ायदा हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है जब कोई बहन भाई जो है उसको फ़ायदा पहुँचता है, या जिसकी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसी तरह ज़िंदगी का ये कारवां चलता है। हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप भाई? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, तहे दिल से शुक्रिया। शर्मिंदा ना करें, मतलब मैं मुझे रोज चैनल के वसीले से दिखा सकूं। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा ना करें, ये मेरा राइट था, मेरा आपके पास आना राइट था, मैं कोई आपके ऊपर एहसान या कुछ इस तरह का नहीं कर रहा, आप मेरा फ़र्ज बनता है आपके पास आना, मैं ये समझता हूँ, बाकी लोग जो मर्जी समझें। मुझे ये बताएं, हमारे बहन भाइयों को भी बताएं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का आपने बता दिया है, आप किस किस चीज़ में डील करती हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट आप बनाती हैं, उनकी क्या डिज़ाइनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें जी? इसमें ये है कि मैं शिफोन के कपड़े के जो कट्स होते हैं वो बनाती हूँ, फिर सिलक को उसको मैनिपुलेट करते हैं, इसमें ये होता है कि उसको स्मोकिंग वगैरह करके, ये वो चीज़ें हैं हैंडमेड पेंटिंग वगैरह की जो हम लेबर से जिस तरह काम करवा रहे होते हैं, लेकिन मार्केट के आने आने तक वो 5,000-6,000 पे वो चीज़ पहुँच जाती है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके चैनल के वसीले से आता है तो उसको हम वही चीज़ 1500 में दे रहे हैं, और उसके अलावा 1000 में दे रहे हैं। अच्छा। तो उसको अगर वो आगे कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करना चाहते हैं दे दे। तो वो बहुत कम पैसों में उसको स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, बेहतरीन है। सबसे पहले हमारे बहन भाइयों को क्या दिखाना चाहेंगे, क्या बनाया हुआ आपने? जी ये अभी न्यू अराइवल है, इस पे काम हो रहा है, ये मैं आपको स्टफ दिखाऊंगी। ये जूट है, ये हाथ पे जैसे खड्डियां होती हैं। अच्छा। उसके ऊपर तैयार हुआ जूट है, और उसके ऊपर लेजर प्रिंटिंग हुई है, जिस तरह इसको बोलते हैं कि
प्लच्छी जिस तरह होती थी जी 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 उस तरह से इसके ऊपर एप्लिक हुई हुई है सारी। ठीक है, ये एप्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, ये स्टफ कौन सा है सिस्टर? ये जूट है और ये चाइना से इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, और इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है? इसके लिए हम लोग इसकी शर्ट्स बना सकते हैं, इसके हम फ्रॉक्स बना सकते हैं, किसी भी मतलब स्टफ को लेके जा सकते हैं जिसे कट्स में ले जाते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए डिसाइड किया कि हम इसके गौन बनाएंगे क्योंकि जैसे विंटर का सीजन आ अबाया जिसे हम कहते हैं अबाया भी और शॉर्ट गौन। अच्छा, गौन भी। ठीक है, कोट की तरह जो पहने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो बनाना चाहती है। ठीक है, इसमें ही एक डिजाइन और है इसी स्टफ में जी, ये है। इसमें फ्रॉक्स लेके आना चाह रही हूँ और सीधी शर्ट्स लेके आना चाह रही। ठीक है, ये जो प्रिंटिंग हुई है ये कैसे हुई है? ये सारी लेजर के साथ एप्लिक हुई, वेलवेट लगी हुई है उसके ऊपर। अच्छा, और ये वॉशेबल भी है। अच्छा जनाब, ये वेलवेट है, याद रखिएगा, ये वाली चीज वेलवेट है। एक नई चीज मेरे सामने सिस्टर लेके आई है, जूट का कपड़ा है जो कि मतलब खड्डियों पे तैयार हुआ होता है। ठीक है, खड्डी का कपड़ा, वाह क्या खूबसूरत है। अच्छा सिस्टर, ये किस सीजन के लिए होता है? ये गर्मी सर्दी दोनों में यूज होता है, दोनों में फोर सीजन। अगर हम इसके नीचे कपड़ा लगाते हैं तो वो हम विंटर के लिए फिर इसको यूज कर लेते हैं, अगर कपड़ा नहीं लगाते तो ये फिर हमारे लिए ट्रांसपेरेंट हवादार मतलब। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसकी अगर बात करें स्टफ की, ये जो आपने मुझे दिखाया है, ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, किस रेट पे मिलता है ये? देखिए ये तो डॉलर्स में लोग इसको डील कर रहे हैं। अच्छा जी। और ये मेरी कोशिश यही है कि जो चीजें हम नेट पे देखते हैं या मतलब किसी और जगह, क्रिएटिविटी जो है वो ऐड की जाए और अच्छी से अच्छी चीज कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये देखने में तो सबको प्रिंट लग रहा होगा, पेंट लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर वेलवेट की जो है ये पेस्टिंग हुई है। ये वेलवेट की पेस्टिंग है, जब आप, मैं क्योंकि हाथ लगा रहा हूँ मुझे फील हो रहा है इसके ऊपर ना वो वेलवेट चढ़ी हुई है, ऐसे ही ना सिस्टर? वॉशेबल है, मतलब ड्राई क्लीन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, ड्राई क्लीन की भी जरूरत नहीं है, वॉशेबल है। और अब कर लेते हैं बात सिस्टर इसके, थोड़ा सा रेट पे बातचीत कर लेते हैं, मार्केट में ये स्टफ अवेलेबल है? नहीं, बहुत मतलब कि ना रेयर है, रेयर है। ठीक, ये मैंने इंपोर्ट करवाया था अपनी फ्रेंड से, मतलब कह के तो ये मंगवाया था। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्वे और चाइना में होते हैं, अच्छा, तो मैं उनको करती हूँ डील। अच्छा, उनसे वो जब आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ हम लेते आए, तो मैंने उनसे कहा था कि कोई अच्छा स्टफ जो यहाँ पे मैंने ना देखा हो तो उसपे मैं कुछ करना चाहूंगी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। अच्छा, अभी आप इनका क्या बनाएंगी? मैंने आपको बताया मैं इसकी कुछ शर्ट्स बनाऊंगी और कुछ गौन बनाऊंगी। ठीक, और जिस तरह अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो फिर उनको मुनासिब रेंज के अंदर उनके मुताबिक भी चीज तैयार करके दी जा सकती है। अच्छा, क्या इसका मिसाल के तौर पर हमारी कोई बहन आपसे कहती है मुझे इसकी शर्ट चाहिए, एक शर्ट कितने की बनेगी जो स्टिच करके देंगी आप? जी, स्टिच करके देंगे, डिजाइनिंग उसके हिसाब से जो सिस्टर आपको बताएंगी उसी हिसाब से करके देंगी? जी, उसी हिसाब से करके दे देंगे। और ये 2200 की रेंज में उन्हें मिलती है, 2200 की आप देंगे। ठीक है, इवन यही पाकिस्तान में आपको पता है रेप्लिका भी इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको, ये एक शर्ट की आपने रेट, एक शर्ट का रेट बताया? शर्ट का रेट। ठीक है, और अगर यही चीज मार्केट में सपोज जैसे आप कह रही हैं कि रेयर है, ये जाहिर है किसी ना किसी के पास तो होगी जी, तो इसका क्या रेट है मार्केट में? 4500 to 5000। ठीक है, और आप देंगी 2200 रुपए में? ठीक है, 2200 रुपए में जनाब आपको। अगर कोई बहन कहती है कि मैं इसका जो आप कह रही थी, क्या कह रही थी, गौन शर्ट्स वगैरह में बनवाना चाहेंगे, गौन भी उसी रेट पे होगा? हाँ जी, आप अपना साइज बता सकते हैं उसके मुताबिक फिर आपको तैयार। ठीक है जी, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन जी एक और चीज सिस्टर ने हमारे सामने रख दी है और बताएंगी सिस्टर इसके हवाले से, ये क्या है? जी, ये विस्कोस लिनन है और ये बिल्कुल लाइट वेट है, आप इसको समर में भी यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी सारा काम हैंडमेड हुआ है, ये आपने हैंडमेड किया है ये सारा? हैंडमेड है, स्टिच में। ठीक है, और उसके बाद इसके जो बटन है वो भी स्टाइल मतलब क्रिएटिविटी में है, और ये भी कॉपी ड्रेस नहीं है, मतलब अगर कोई आपकी अपनी क्रिएशन है जी, अगर कोई सिस्टर इसको परचेज करता है तो मार्केट में ये चीजें मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब अपना वो कंपैरिजन नहीं रखती। ठीक है, अब ये बताएं कि बहन भाइयों को कितने में ऑफर करेंगे? जी, ये 1250 में मिल जाएगी आपको, 1250 रुपए में ये शर्ट जी, और ये ऑल साइजेस में अवेलेबल है। ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, स्मॉल भी मिल जाएगा, मीडियम भी मिल जाएगा, लार्ज भी मिल जाएगा, और 1250 रुपए में आपसे हमारी किसी बहन ने एक शर्ट ये वाली खरीदी, खरीदने के बाद उसमें कोई नक्स आ गया किसी भी तरह का, कोई कट था, या एक बार वॉश करने के बाद ये कपड़ा खराब हो गया, क्या गारंटी देंगे आप? उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, उनकी पेमेंट वापस कर दी। ठीक है जी, रिप्लेस भी आपको किया जा सकता है, पेमेंट वापस करनी हो पेमेंट भी वापस होगी, और इंशाल्लाह ये करेंगी अल्लाह ने चाहा तो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा, एक हमारा कोई भाई या बहन
कहता है कि मुझे ये 30 पीस चाहिए, जाहिर है उनको तो वो ये रेट नहीं लगेगा ना? जी ऐसा ही है, उनको बहुत अच्छा रेट दिया जाएगा। अच्छा, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसको पूरी तरीके से एक तो गाइड किया जाएगा, दूसरा आला क्वालिटी और फाइन वर्क उन्हें डिलीवर किया जाएगा, और कमिटमेंट जिस तरह से होगी उसी टाइम पे उन्हें चीज डिलीवर की जाएगी। चलें जी, माशाल्लाह से ये अच्छा है, और रेट उनको कम लगाएंगी आप? जी जाहिर है उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लेना, बहुत अच्छा रेट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि डिलीवरी आपकी कहाँ कहाँ पर होगी? इस वक्त तो मैं वर्ल्ड वाइड मतलब डिलीवरी दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि वो आउट ऑफ कंट्री या इन कंट्री वो चाहता है तो उसको डिलीवरी कर दी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में भी देंगी और पूरी दुनिया में भी देंगी, ओवरसीज के लिए भी। ठीक है, ओवरसीज के लिए भी जो है जनाब आप ले सकते हैं, 1250 रुपए में सिंगल पीस आपको मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हैं सिस्टर, इससे आगे क्या दिखाएंगे आप? जी यहाँ पे मेरे पास एक शर्ट है जी, यहाँ आप देख रहे हैं पेपर कॉटन में है, जिसके ऊपर जैकार्ड का सारा मतलब काम हुआ है। ठीक है, कपड़े की नफासत भी आप देख रहे हैं और उसके ऊपर सारा गोटा वर्क किया गया जी, ताकि आप इसको फैंसी लुक में ले जाते हैं। ठीक है जी, और आप इसको गर्मी सर्दी दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सारे साइज अवेलेबल होंगे? जी, इसमें भी स्मॉल मीडियम लार्ज ये चारों मतलब। सिस्टर आपसे कोई भी बहन भाई कोई भी चीज मंगवाएगा गारंटी होगी उसकी? जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, सब चीजों की 10 साल से काम कर रही हूं। अच्छा, और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ काम कर रही हूं पूरे ट्रस्ट के साथ काम कर रही हूं। ठीक है जी, और अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें क्या है? सही, ये 3000 तक जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग है ये सारी टेलर करते हैं, टेलर मास्टर होते हैं जी। तो मास्टर आपको पता है कि आजकल 1000+ वो ले रहे हैं, स्टिचिंग का ही ले रहे हैं जी, जी। तो ये सारी चीजें तो कितने में, लाइनिंग लेके कितने में ऑफर करेंगे आप? ये मैं आपको 1550 रुपीज में दे रही हूँ। ठीक है, 1550 रुपए में जनाब आपको ये शर्ट ऑफर कर दी है सिस्टर ने। इसके अंदर जो भाई आप देखेंगे इसके अंदर ना लाइनिंग यूज हुई हुई है। अच्छा, ये डबल कपड़ा रख के उसको स्टिच किया गया। ये देखें जी, ये डबल कपड़ा है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, दो शर्ट समय लें आपको दी जा रही हैं, और आप देंगी 1550 रुपए में। जी, ये 1550 रुपए में आपको सिस्टर ने ऑफर कर दिए, पूरे पाकिस्तान से आप मंगवा सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लें जी, एक और आर्टिकल सिस्टर ने दिखा दिया है और बताएंगे इसके हवाले से सिस्टर की ये क्या चीज है। जमशेद भाई, ये ना कतान सिल्क है। ठीक है, और ये फैंसी ड्रेसेस में मतलब यूज होती है। ठीक और है, इसके ऊपर जब भी कोई हैंडमेड थोड़ा सा भी काम करते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर से जाती है, वो फैब्रिक है। अच्छा, ब्राइडल वराइटी में यूज होता है। ठीक मैंने है, उसको कैजुअल में यूज किया, पार्टी वेयर में यूज किया, और जो बटन आप देख रहे हैं लेस थी स्ट्रेट, इसके बटन मैंने हैंडमेड बनाए हैं। ठीक है, ये आप सामने देख रहे हैं बटन भी हैंडमेड है, एरोज है, एक एरोज मैंने राइट किया और एक एरो मैंने लेफ्ट किया, और ये मैंने हाथ पे बनाया सारा। अच्छा, मैं भी जरा देख लूँ ना, हाँ क्या बात है जी, ज़बरदस्त है। अच्छा लगा ये स्टाइल, और अब कर लेते हैं इसके रेट की बात। जाहिर है आपकी चीज़ें मार्केट वाली तो है नहीं जी, जी। ठीक है, क्या ऑफर कर रहे हैं हमारे बहन भाइयों को? देखें ये यही वाले आउटफिट जब आप देखते हैं मारिया बी में या किसी और आउटफिट में मतलब देखते हैं जो डिजाइनर्स वेयर यूज किया जा रहा है, वहाँ पे ये 4500-4800 में सेल हो रहा है। ठीक लेकिन है, मैं 1250 में दे रही हूँ। ठीक है जी, 1250 रुपए में आपको सिस्टर ने शर्ट ऑफर कर दी है। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लें जी, एक और शर्ट पड़ी हुई है और बताएंगे इसके हवाले से सिस्टर। सिस्टर बताइए। ये कतान सिल्क है और इसके अंदर लाइनिंग यूज हुई है, पहले हमने जो देखे हैं वो प्लेन में थे। ठीक है, अब जो ये लाइनिंग है इसका ये फायदा होता है कि अगर शॉर्ट हाइट वाला लड़की भी इसको पहनती है तो वो टॉल मतलब लगना शुरू होता है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने इसको सिंपल करने के लिए और एलिगेंट करने के लिए लेस दी है, और साथ में ये दो दो पर्ल्स दी हैं जो इसके बटन्स की क्रिएटिविटी है। ठीक है, ठीक है। रेट क्या दिया आपने? ये भी 1250 में आपको मिल, ये भी 1250 रुपए में आपको ऑफर कर दी है जी। और इससे आगे एक शर्ट और आ चुकी है, और मुझे लग रहा है ये पेंट है जी। जी ये हैंड पेंटेड है। अच्छा, और ये सेटा सिल्क पेंट है, और उसकी गारंटी है कि ये फैब्रिक से ऊपर से उतरते नहीं है। ठीक है, और रेट क्या रखा है आपने? ये भी आपको 1250 में मिल जाएगा, 1250 रुपए में ये शर्ट, और मार्केट प्राइस 5500 से अबव होती है। ठीक है, आप इसकी स्टिचिंग देख रहे हैं कि किस कदर फाइन मतलब उसको रखते बनाया जी जी। यहाँ पे है ये भी विस्कोस लिनन है, और ये भी विंटर और समर दोनों में यूज होती है। ठीक है, इसके ऊपर काम किस चीज का हुआ है? शीशा वर्क है? हाँ जी, शीशा वर्क लगा हुआ है और ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। ठीक है, और ये बाय हैंड ही इसके ऊपर ब्रशिंग की गई है। ये हैंड से हुई हुई है जनाब, वो मशीन वाली प्रिंटिंग जो है वो आप देख रहे होंगे डिफरेंट एंगल से वो स्लाइड कर रही है। ठीक है, और ये कितने में? ये मैं आपको 1800 में दे रही हूँ। अच्छा, 1800 में जी, 1800 रुपए में जनाब आपको ये वाली शर्ट मिल जाएगी। इससे आगे दिखाइएगा जी। यहाँ पे जो शर्ट आप देख रहे हैं
इसके ऊपर इजिप्शियन आई को लेके मतलब सारा थीम वर्क किया गया। अच्छा, ये देखिए भी आपको 1250 में मिल जाएगी। ठीक है, 1250 में जी। ठीक है, ये आप चेक करें, स्टफिंग का बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बेहतरीन है, और 1250 रुपये में इन्होंने आपको ऑफ़र कर दिया है जी। और इससे आगे है जी, ये देखिए, बताएं सिस्टर इसके वाले से। ये भी विस्कोस लिनन है और उसके ऊपर ये काम किया गया है। ठीक और है। उसके बाद ये है कि जो इसके शोल्डर्स के ऊपर आप काम देखेंगे सारा हैंड पेंटेड है। ठीक है। और ये स्टेन जो है ये नहीं उतरते इसके, और ना ही आपको उसको ड्राइकिंग करवाने की जरूरत है। ठीक है, उसको घर पे इजी वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और रेट वही 1250 1250 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ दुपट्टों की कलेक्शन है जी। जी, ये चाइना के प्योर दुपट्टे हैं। ठीक है जी, मैं खोल के नहीं दिखा सकता, आप मेरा हशर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप बहन भाइयों के लिए है जी। ये सारा फ्री हैंड पेंट काम किया गया है इसके ऊपर। अच्छा, और ये ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं है, फ्री हैंड प्रिंटिंग है। इट्स मीन कि इसको आर्टिस्ट वेक में मतलब इस पे काम किया गया, और दोनों बॉर्डर्स पे काम किया गया है। दरमियान में इसके फ्लोरल की तरह मतलब ये छोटी छोटी सी डब्बियां डाली गई हैं। ठीक है, और ये ऑल ओवर वर्क है। और ये किसके ऊपर बना हुआ है जी? ये प्योर शिफॉन के ऊपर बना, प्योर के ऊपर ये बना हुआ है। रेट क्या है जी इसका? ये जो प्योर का दुपट्टा है ये मार्केट में इस वक्त 1200 का जा रहा है, और अच्छा, वो भी होलसेल रेट बता रही हूँ मैं। प्लेन दुपट्टा जी, प्लेन दुपट्टा, लेकिन इसके ऊपर ऑल ओवर वर्क है, हैंड वर्क है, आप देख रहे हैं ये आपको 1500 में मिल जाएगा। ठीक है जी, 1500 रुपए में आपको ऑफर कर दिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे ये दुपट्टा है, ये पेपर कॉटन है। ठीक है, इसके ऊपर बना हुआ है, और ये इंडियन खड्डियों पे तैयार हुआ हुआ कपड़ा है। अच्छा, ये आप इसको हाथ लगा के देखें जब आपको अंदाजा होगा। ये सारा इसके ऊपर हैंड पेंट काम किया गया, जिसके ऊपर फीडर्स हैं, ऑल ओवर फीडर्स हैं, बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। ये भी 1500 रुपए में ऑफर कर दिया है सिस्टर ने। कोई अपनी मर्जी से बनवाना चाहता है, कोई डिज़ाइन बनवाना चाहता है, आप ये देखिए, इतनी शदीद गर्मी है कि मुझसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं पता नहीं, मैं व्यूज़ के लिए काम करता हूँ, व्यूज़ के लिए मेरा मकसद नहीं होता काम करना, मेरा मकसद होता है आप सब बहन भाइयों की खिदमत करना। ये देखें जी, एक ये दुपट्टा, ये भी इंडियन दुपट्टा है बेस के ऊपर, और उसके ऊपर ये सारा जो वर्क है मल्टी कलर्स में हैंड वर्क किया गया है, पर्ल पेस्टिंग कलर किए गए, और साथ में मिरर का कॉम्बिनेशन दिया गया है ताकि इसको ट्रेडिशनल बनाया जा सके। ठीक है, और ये दोनों बॉर्डर्स पे इसके काम है। ठीक है, और मिरर वर्क भी है इसके जी, और ये भी आपको 1500 में मिल। ठीक है जी, ये भी 1500 में ऑफर कर दिया है सिस्टर ने। और यहाँ पे दुपट्टा देखें, ये भी इंडियन जूट मतलब तैयार हुआ है, खड्डी पे तैयार हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो दुल्हन है और पीछे मटके जा रहे हैं, मैंने जहेज और दुल्हन का कॉन्सेप्ट लेके बनाया था। अच्छा, वाह वाह वाह, ये देखें जी, कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्होंने ये बनाए हैं, एक बड़ी जबरदस्त चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। और रेट क्या रखा है आपने? ये भी आपको 1500 रुपए में, ये भी 1500 रुपए में, इवन के मार्केट में 1200 का ये दुपट्टा हम इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं जी। ये प्योर का दुपट्टा जिसके ऊपर मल्टी कलर हमने मतलब डाई किया हुआ है टाई एंड डाई में। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हैंड पेंटेड काम किया गया है। ठीक है, और फ्लावर्स मतलब बना के फ्लावर्स लगाए गए हैं और पर लगाए गए, और ये जो लेस है ये व्हाइट बेस में आती है, इसको भी साथ में डाई किया हुआ है, और अच्छा, ये वॉशेबल है, इनके कलर नहीं उतरते। अच्छा अच्छा, ठीक है, और ये कितने का है जी? ये भी आपको 1500 रुपए में, ये भी 1500 रुपए का आपको ऑफर हो गया है जी। और ये मल्टी कलर में इसे किसी भी सूट के साथ चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो मैं सबसे अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ वो देखें आप, आपने अभी तक जितने भी मतलब देखे होंगे होलसेलर्स, वो ये 1100 में क्रिज्मा के ट्राउजर्स कर रहे हैं डील जी। एक होलसेलर ऐसा था जिसने 950 में या 900 में दिया था, ये क्रिज्मा है जी। ठीक है जी, और ये पूरा साइज होता है इसका जी, बिल्कुल ठीक है। और ये ऑल ओवर आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, ये बॉर्डर्स पे किस तरह है, और लेजर एम्ब्रॉयडरी है सारी। ठीक है, ये कितने दो कलर में ही आता है आई थिंक जी, ये स्किन में भी आता है लेकिन दो कलर ज्यादा अच्छा, यूज ज्यादा होते हैं, हम लोग दो कलर ज्यादा उठाते हैं। और आप हमारे बहन भाइयों को कितने में ऑफर कर रही हैं? आप बता रहे हैं कि 950 में डील कर रहे हैं, 800 में भी डील करेंगे, लेकिन आपके चैनल पे ये 600 का हम लोग। ठीक है जनाब, 600 रुपए में आपको ये क्रिज्मा का जी ट्राउजर, क्रिज्मा के ट्राउजर, ठीक है, ऑफर हो गया है। और इसमें ये कलर भी अवेलेबल होगा जी, इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों मिलते हैं जी, ये व्हाइट भी आपको मिल जाएगा, ये आप चेक। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन है, स्टफ बहुत फाइन है, और कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, और इसके बाद क्या है जी आपके पास? इसके बाद हमारे पास जीन्स है, जीन्स भी आपको दिखाते हैं बहुत सारे जिनके ऊपर क्रिएटिव वर्क किया गया है। ये देखिएगा कि आपको प्लेन भी मिल जाएंगी ऑल साइजेस में, स्मॉल मीडियम लार्ज में जी, और ये हैंड पेंटेड भी मिल जाएंगे, ये कस्टमाइज वर्क होता है। अच्छा, जो इस वक्त चाइना में
जी, और पेरिस में हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये है कि मैंने इसको पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आपने क्या रेट रखा है जी? ये 1000 में आपको मिल जाएगी विद पेंट जी। अच्छा ठीक है जी, 1000 रुपए में आपको यही चीज आपको ब्रांड के ऊपर 3000-4000 रुपए में मिल रही है। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे इसके पॉन्चो पे फ्लेम दिया गया है। ठीक है, और ये जो पेंट है, जीन्स है, इसका आप कपड़ा स्टफ वगैरह देख सकते हैं। ये भी आपको ऑल साइज में स्मॉल मीडियम लार्ज में मिल जाएगी। ठीक है, इसका रेट क्या है जी? ये भी 1000 में आपको। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, 1000 में आपको जनाब ये ऑफर कर दिया है सिस्टर ने। और ये क्या है जी? ये भी जीन्स में है बट कलरफुल है, ग्रीन में जी। तो अगर कोई फैंसी पहनना चाहे तो इसको फैंसी करने के लिए इसके पॉन्चो पे थोड़ा सा मतलब काम किया जा सकता है, काम है। ठीक है, और ये भी 1000 में है जी? ये भी 1000 में। ठीक है, और अगर किसी क्लाइंट को ये चीजें प्लेन में चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, तो उसकी भी प्राइस 1000 में होगी। ये एक्स्ट्रा वर्क। हाँ जी, ये देखिएगा, इसके ऊपर भी सारे फ्लोरल है जी, जी। और पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे वैसे ही मतलब बहुत पसंद है। ठीक है, उसको एक कॉम्बो करके काम बनाया। और ये भी 1000 में है जी? ये भी 1000 में, ये भी 1000 में। और अगर ये पैंट्स, ये आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखें, अपने कस्टमर को दिखाएं कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये देखें, स्ट्रेच है। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ रह गया सिस्टर? नहीं बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमने दिखा दी हैं, और मेरा हशर और मेरे टिश्यू आपके सामने हैं। यहाँ पर डस्टबिन नहीं था, मुझे अपनी गोद में रखना पड़े। सिस्टर, कितने दिनों में, एक बहन भाई अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो कितने दिन में आप उनको डिलीवरी करेंगी, अपने जो उन्होंने कस्टमाइज जो करवाना चाहें या जो रूटीन में लेना चाहें? जी, 7 to 10 days में कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, और विद इन 3 days उनको मिल जाएगा, वर्किंग डेज का जो होंगे वो काउंट होंगे। सैटरडे और संडे काउंट नहीं होते, वो शिपमेंट नहीं होती। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो ऐसी कोई बहन भाई आपसे लेना चाहते हैं, आप जो आपने कस्टमाइज मतलब जो आपने बनाया हुआ है जी, ऑलरेडी बनाया, ठीक है, उसी दिन डिलीवरी हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी, यहाँ से चला जाएगा और उनको नेक्स्ट डे मतलब मिल जाएगा। कोई बहन भाइयों को मैसेज देना चाहती हैं? ये है कि जिस वक्त हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक भगदड़ मची हुई है जी, जी, तो वो स्टफ के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे, डिजाइन कॉपी किया डिजाइनर का और वो चीज बना दी, हम उसको एक दफा पहनते हैं लेकिन वो दूसरी दफा पहन के वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, इसलिए कपड़े की क्वालिटी पहले चेक करें और फिर उसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक उसकी डिजाइनिंग देखें। ठीक है, आपके पास कोई आना चाहे तो आ सकता है? फिलहाल तो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला विंटर में मैं ऑप्शन रखूंगी कि मेरे पास मतलब विजिट किया जा सके। ठीक है जी, अभी जस्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ये लाहौर में ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वाल्टन रोड के ऊपर इनका घर के अंदर ये आप देख रहे हैं, शूट कर रहा हूँ। सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, बहन भाइयों के काम आए और उनकी ज़ात से आपको फ़ायदा, आपकी ज़ात से उनको फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे नाकारा इंसान को और नाचीज़ इंसान को अपना कीमती वक्त दिया, जज़ाकअल्लाह। सलामत रहें, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। ये थी जनाब आज की एपिसोड, और ये था आज का मैं। याद रखिएगा, मैं आप बहन भाइयों के साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितने मैं पॉजिटिव थिंकिंग है मेरी, ये मेरा अल्लाह ही गवाह है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, बैठा हुआ हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मेरी इस एफर्ट की वजह से किसी की ज़ात को फ़ायदा पहुँच जाए। आप भी कोशिश किया करें। ये थी आज की एपिसोड। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल चौक होना शुरू हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मैंने एक्स्ट्रो क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज तक लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशखुरम रखे, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ से मिटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।